गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास। टुडे डेट इज 24 नवंबर 2020 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 22। सो स्टूडेंट, लेट डू little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video I explained you sketch and map. So student, in the previous video I explained you what is sketch and what is a map. So let do little recapitulation of this. See student, what is a sketch? Sketch is a rough drawing of any place. किसी भी place की rough drawing हो सकती है, ठीक है? जैसे आप कहीं रहते हो तो आप दिखा दोगे ये आपका घर है, आपके घर के बगल में मान लो कोई हॉस्पिटल है या कोई मंदिर है। सो स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस। बट व्हाट इज अ मैप? मैप इज आल्सो ए ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, बट द मैप टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। दैट्स द डिफरेंस। स्केच इज ए रफ ड्रॉइंग ऑफ ए प्लेस, मैप इज ऑल्सो ए ड्रॉइंग ऑफ ए प्लेस, बट इट टेल्स यू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट। इट मीन्स वॉट? इट मीन्स हाउ मच डिस्टेंस यू हैव टू कवर। इट मीन्स it also tells the exact measurement. So what does it mean, exact measurement? It means that how much distance you have to cover. So that is the difference between a sketch and map. So student, how the map gives the exact location of the place? Because when you will observe the map, so you will see directions are given on the map. That is north direction, name of the directions are north, south, west and east. So student, the direction which is always on the top of the map, that is north, that is north direction, and the direction which is at the bottom of the map, that is south direction, which is towards the right hand ke taraf jiski direction hogi, that is the east, and which is at the left hand, that is the west. So these are the directions which help you to give the exact location of the map. And see, landmarks are also given in the map. What next thing is, landmarks are also given in the map. These landmarks help you to find the exact location of the place.
जैसे आपको जाना है कहीं, आप किसी को एड्रेस बताते हो तो आप बोलते हो ना, हमारे घर के बगल में ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम ये है। इस तरह से हम लोग एड्रेस बताते समय इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स के बारे में बताते हैं ना बेटा। सो लैंडमार्क्स आर ऑल्सो ऑन द मैप सो दैट इट हेल्प्स यू टू गेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। इज इट क्लियर? नाउ इट गिव यू एग्जैक्ट, इट टेल्स यू एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ऑल्सो। सो दिस इज पॉसिबल, हाउ दिस इज पॉसिबल, बिकॉज ऑल द मैप्स आर ड्रॉन ऑन ए स्केल। मैप्स आर ड्रॉन ऑन स्केल। सो दीज स्केल्स हेल्प अस टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। एंड द अनदर थिंग विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ऑलवेज स्टूडेंट आर इन कंफ्यूजन दैट द स्केल विच वी आर यूजिंग ऑन द मैप दैट इज ऑलवेज सेम। सो स्टूडेंट नो, द स्केल विच वी आर यूजिंग ऑन ऑल द मैप इज नॉट सेम। इन डिफरेंट मैप्स वी कैन टेक डिफरेंट स्केल्स। इज इट क्लियर? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी देन इट्स वेरी गुड, क्योंकि आजकल डेली आ रहा है कि यू आर अनेबल टू सी द वीडियोस। तो आप स्कूल के साइट पे जाओ बेटा, वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू जा सकते हो एंड देन यू आर एबल टू वॉच द वीडियोस। सो इफ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो देन इट इज वेरी गुड, अदरवाइज आई टेल यू व्हाट इज अ स्केल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाराणसी, ओके, दिस इज वाराणसी एंड नाउ आई हैव टू गो जौनपुर, ओके। सो दिस डॉट स्टैंड फॉर वाराणसी एंड दिस डॉट स्टैंड्स फॉर जौनपुर, ओके। एंड व्हाट, हाउ आई टेक द स्केल? सपोज मैंने मान लिया कि 1 centimeter इक्वल टू 100 kilometer, सो यू टेक आउट द स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। बाई चांस इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट कम्स 2 centimeter, देन हाउ यू विल कैलकुलेट? नाउ इट बिकम अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन। 1 centimeter इक्वल टू 100, देन 2 centimeter इक्वल टू 2 × 100, सो वॉट इज द रिजल्ट वी गेट? वी गेट 200, 200 वॉट? 200 kilometer। इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन वाराणसी एंड जौनपुर इज 200 kilometer। ये एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, वैसे तो वाराणसी और जौनपुर में डिस्टेंस सिर्फ 60-65 kilometer का, लेकिन कैसे स्केल लेते हैं सपोज करके, दैट टेक्निक आई एम टेलिंग टू यू। Is it clear? So, I hope how we take the scale on the map, you all are able to understand. So, now student, now see, when we are studying maps, then maps are of 3 types. First of all, map. What is a map? I already explained you. And on the top of the map, what is there? Title. That is also very important, because title of the map tells you What is the map is about? Map में किसके बारे में बात की जा रही है?
ठीक है. सो दिस थिंग यू विल अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द टाइटल. जैसे यहां टाइटल में आपने देखा स्टेट्स एंड कैपिटल्स. सो आफ्टर रीडिंग द टाइटल यू विल अंडरस्टैंड इन दिस मैप ऑल डिटेल इज गिवन अबाउट द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड देयर कैपिटल्स. इज इट क्लियर? बिकॉज इन द टाइटल इट इज रिटन स्टेट्स एंड कैपिटल. इट मीन्स इन दिस मैप वी विल स्टडी द डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री एंड वट आर द कैपिटल्स ऑफ दीज स्टेट. वट आर द कैपिटल्स ऑफ दीज स्टेट्स. सो टाइटल ऑफ द मैप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. ओके, नाउ मैप. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू वॉट इज द मीनिंग ऑफ द मैप. नाउ when we study map, definition is already given to you. Now when we study map, so we have three types of map. How many types of map we have? We have three types of map. So now the question arises, what was the name of these three types of map? See, physical map. Political map. And third one is the thematic map. Okay, so after giving the definition and explanation of the map, now student, now when we study map in the detail, then we will see that types of a map. So how many types of map? That is, there are three types of map. That is physical map, political map, and thematic map. You can note down this in your rough copy. Whenever student you are watching my videos, then always see on the top, I am teaching you which chapter. So when you see this is chapter number 22, then open the book 22 chapter and the name is India and the World. So, you see what is the chapter number, and if there is any confusion, then see what is the name of the chapter, India and the World. So, which topic I am teaching you, please student, this time you are in home, not in the school. नहीं तो हम लोग जैसे chapter start करते हैं, firstly हम लोग क्या बोलते हैं, take out your EVS book, chapter number 15. तो बच्चे बोलते हैं sir which page, then we say open page number 84. In this manner we start a chapter in the class. But now due to COVID-19 you are studying from home. So whenever you see the video, see the heading, title of the what is the chapter and what was the name of the chapter is given. At the time when you are watching the video, open the book, because many important points I write on the board. You take one pencil with you. If you want to underline that points, you can underline that points in your book, because in the same manner paper we ask in the exam, we are not directly asking the MCQs which are given in the book. So all the questions are from inside the paragraph or from the different topics of the book. So if you study in this manner, underline each and every portion, so that when you revise it, it gives you the all concept of the chapters are clear. So this is for your better understanding. I write this
If you find the same thing in the book, you underline it. Or otherwise, in a separate copy, if you want to chapter wise note down, then also it is very good for you. So, physical map, political map, thematic map. Okay. Now, one by one, we will discuss all these points. Okay. First is the physical map. Okay. Physical map of India. Okay. So, first of all, see, understand what is the meaning of this. Physical map. What is the meaning of this? First of all, understand this. After that, I will show you the map. So that the concept is more clear to you. But first of all, understand what is the meaning of this word physical map. पहले ये समझ लो physical map है क्या. और फिर उसके बाद मैं तुम लोग को book से एक एक map की picture दिखा दूंगा. तो तुम लोग को एकदम clear हो जाएगा कि what is the meaning of the physical map. लेकिन पहले इसकी definition समझ लो कि what do you mean by physical map. So student, physical map of India. See student, we know that 72% of the earth is covered surface of the first. बहुत simple चीज समझो. अभी भी देखो पूछ हटके में मैं class होती पूछ लेता. बहुत बच्चों को यही नहीं पता होगा कि earth में हम रहते कहाँ हैं. बेटा हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको अपने सर के ऊपर स्काई दिखती है और नीचे अर्थ दिखती है, तो आपको लगता है ये पूरा गोले की तरह है और हम अंदर कहीं रह रहे हैं. नो, ऐसा नहीं है बेटा. ठीक है, चीजें जैसे ही आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने आईज से ऐसी नहीं है. बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है, वो लैंड देखते हैं जिसपे वो चलते हैं और व्हेन दे लुक अप तो उनको स्काई दिखती है. ठीक है, तो उनको लगता है कि ये एक डब्बे की तरह गोल है, लेकिन बेटा हम लोग अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अर्थ अब इस चैप्टर में तो है नहीं. अर्थ की डिफरेंट लेयर्स होती हैं. ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक से हो जाएगा. बस इतना जान लो वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वो अर्थ का सरफेस है. ठीक है, अब देखो, क्योंकि वो जो आपको ऊपर क्लाउड्स दिख रहे हैं वो तो वाटर ही के हैं ना, तो वो तो अर्थ, हम लोग अर्थ के सरफेस पे. देखो आप ये मत सोचो कि क्लाउड्स हैं तो ऊपर भी एक लेयर है. बेटा क्लाउड्स बने कैसे हैं, वो तो वाटर साइकिल है जो मैंने अर्लियर चैप्टर में आपको बताई है. ड्यू टू द हीट ऑफ द सनलाइट वाटर इवेपोरेट्स एंड इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर. और यही वाटर वेपर देन दे बिकम वेरी लाइट, दे राइजेस अप इन द स्काई. और जब वो कूल एयर के टच में आते हैं तो अगेंस्ट उनकी कंडेंसेशन हो जाती है और वो स्मॉल स्मॉल टाइनी ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं. और यही स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपस में ज्वाइन करके क्लाउड्स बनाते हैं. इसलिए ये हमेशा याद रखना कि हम लोग अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं. ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब देखो सबसे अच्छी क्वेश्चन अराइज हुई, क्या अर्थ का सरफेस इज सेम? सो द आंसर इज नो, क्योंकि मैंने तुम्हें सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं. अब तुम लोग क्लास 5 में हो आपको, हाँ जब मैं ये क्लास 3 और 4 के बच्चों को पढ़ाऊंगा तो उनके लिए ये चीज मुश्किल है, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि यू आर इन क्लास 5 स्टैंडर्ड और अर्थ के सरफेस हर जगह अलग अलग है. ये मैंने फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया में तुम्हें टोटली क्लियरली पढ़ा दिया था. फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया हमने कैसे स्टार्ट किया था, उसका सबसे पहला चैप्टर था, हमने किसके बारे में पढ़ा था, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, इसी में हिल्स भी आ जाएंगे. भाई जो बहुत हाइट वाले जो पहाड़ होते हैं उनको माउंटेन्स कहते हैं, हिल्स भी वैसे ही होते हैं लेकिन उनकी हाइट क्या होती है, कम होती है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स आपने पढ़ा. फिर जैसे आपने नॉर्दर्न प्लेन्स पे एक चैप्टर हमने स्टडी किया था, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. आई होप आपको बेटर ये समझ में आएगा, क्योंकि आपने एक एक टॉपिक, आपके हर टॉपिक पे एक चैप्टर है तो ये आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. थर्ड और फोर्थ क्लास को उतना बेटर नहीं समझ में आएगा क्योंकि उनके कोर्स में अभी ये चैप्टर वाइज नहीं है. ठीक है, तो अर्थ का
अर्थ के सरफेस पे हम लोग रहते हैं और अर्थ का सरफेस हर जगह एक जैसा नहीं है। अगली बात समझ में, हमने पढ़ा था माउंटेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ये पढ़ा, फिर हमने पढ़ा डेकन प्लेट्यू ठीक है, फिर हमने पढ़ा कोस्टल प्लेन्स मीन दैट पार्ट ऑफ द लैंड विच इज इन टच ऑफ ए सी वाटर, लैंड का वो पोर्शन जिस किसको टच कर रहा है सी वाटर को, मतलब ये ऐसे एरिया हैं जिनके लैंड के चारों तरफ क्या है सी वाटर है, समुद्र है ठीक है। यहाँ पे मैंने तुम लोग को बे ऑफ बंगाल बताया था, इंडियन ओशन बताया था, इधर आ जाओ तो तुम्हारा ये कहते हैं अरेबियन सी है जो तुम्हारा एक ट्रेंगुलर पोर्शन बन के आता है, जो तुम्हारा डेकन प्लेटू वाला पोर्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था, कोस्टल प्लेन्स पढ़े थे, फिर हमने डेजर्ट पढ़ा था ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया थार डेजर्ट, जिसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ है इंडिया में और कुछ पार्ट कहाँ है हमारी नेबर कंट्री पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पहले इंडिया पाकिस्तान में ही था बट आफ्टर फ्रीडम के बाद क्या हो गया दे सम पोर्शन दैट गोज टू पाकिस्तान, नाउ पाकिस्तान इज ए सेपरेट कंट्री ठीक है, सो वो हमारी नेबर कंट्री है पाकिस्तान, सो सम पार्ट ऑफ द डेजर्ट थार डेजर्ट जो सबसे बड़ा डेजर्ट है उसका कुछ परसेंट 15% पार्ट पाकिस्तान में और मैक्सिमम 85% पार्ट जो है दैट इज इन इंडिया। तो हमने माउंटेन्स पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा, डेकन प्लेट्यूज पढ़ा, कोस्टल प्लेन्स पढ़ा, डेजर्ट पढ़ा, फिर आइलैंड्स पढ़े, अंडमान निकोबार है ना, लक्षद्वीप है, तो ये सब पढ़ा, जो ये 6 फिजिकल डिविजन हमने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई है। तो अब देखो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा बेटा कि जो अर्थ का सरफेस है वो सेम नहीं है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं डेकन प्लेट्यू है, ऐसा एरा प्लेट्यू याद आया तुम लोग को, मैंने बताया था ऐसा एरिया जो लैंड से तो हाइट पे होगा बट टॉप से वो क्या होगा फ्लैट होगा, जस्ट लाइक ए टेबल। टेबल में क्या होते हैं 4 लेंस होते हैं टेबल के, लेकिन अपर सरफेस क्या होता है फ्लैट होता है, so that you can easily capture books and all things and you can do study on that, तो इसी को plateaus को table land भी बोलते हैं ठीक है। तो Deccan plateaus हमने coastal plains area पूरा आप लोगों को detail में पढ़ाया था, जहां जहां land जो है किसमें है water के touch में है ठीक है, और desert ठीक है desert area, तो ये इसका मतलब जो earth के surface पे बेटा जो land है वो एक जैसा नहीं है, कहीं पे hills है, कहीं mountains है, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं डेकन प्लेटू है, कहीं कोस्टल प्लेन्स हैं जिसको तुम लोग वाटर बॉडीज भी बोल सकते हो, और कहीं तुम्हें डेजर्ट भी देखने को मिल रहा है। इट मींस व्हाट डज इट मीन, इट मींस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम, समवेयर वी फाइंड माउंटेन्स, समवेयर वी फाइंड हिल्स, समवेयर वी फाइंड प्लेन्स, समवेयर वी फाइंड डेकन प्लेट्यूज, समवेयर वी विल फाइंड डेजर्ट एंड सम वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में आपके क्या आ जाएंगे, सी है, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक हैं, दीज ऑल आर द वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये 72% तो अर्थ का वाटर ही है और 28% क्योंकि जब मैंने आप लोग को इस चैप्टर नंबर 11 पढ़ाया था उस समय मैंने बोला था कि वी व्हेन यू सी देयर आर कितने कॉन्टिनेंट हैं, जमीन के कितने टुकड़े हैं, 7 टुकड़े हैं, और हम किस वाले में रहते हैं एशिया, हमारे कॉन्टिनेंट का नाम क्या है एशिया, इंडिया किस में है एशिया कॉन्टिनेंट में, इज इट क्लियर, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी एशिया ही है, ये जमीन के 7 टुकड़े हैं और ये एक संग नहीं है, बीच में वाटर आ जा रहा है दूर दूर ऐसे करके हैं, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट जो कॉन्टिनेंट है वो आपका एशिया ही कॉन्टिनेंट है बेटा, इज इट क्लियर, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब आपको आई होप बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि फिजिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप का मतलब होता है कि जो अर्थ के ऊपर जो सरफेस है ना वो कैसा है ठीक है। अब इसी को मैं आपको पिक्चर से दिखा दूं जिससे कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, देन ऑल द कॉन्सेप्ट आर वेरी क्लियर टू यू ठीक है। फिजिकल का अब आपको पेज वाइज मैं आपको सब दिखाता हूं, देखो
देखो चैप्टर नंबर 12 हिमालयन रेंज के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये हिमालयन रेंज यहाँ से स्टार्ट हुई, ये क्या है माउंटेन्स वाला पार्ट दिखा रहा है, इंडिया के किस पार्ट्स में माउंटेन्स हैं, और भी पार्ट में है लेकिन सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जो हिमालयस है उसका मैप है। इज इट क्लियर? ऑब्जर्व इट। ओके नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट इज द सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ ए, देखो ग्रीन पोर्शन से प्लेन्स दिखाया है। सी दिस इज द मैप ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, ऑब्जर्व द मैप, दिस इज द मैप ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये प्लेन्स का है ये, तो ये कैसा मैप है? फिजिकल मैप है। दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट सी स्टूडेंट, दिस नाउ नेक्स्ट इज द, आई शो यू, सी दिस इज द मैप ऑफ कोस्टल, ये देखो दिस इज द मैप ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। ये देखो ये फिजिकल मैप है कोस्टल प्लेन्स का, फिजिकल मैप, ठीक है। दिस इज द मैप ऑफ कोस्टल प्लेन्स एंड दिस इज द फिजिकल मैप है। इज इट क्लियर? ये देखो डेजर्ट एरिया का मैप, तो ये क्या है? फिजिकल डिवीजन ऑफ डेजर्ट एरिया, कहाँ कहाँ डेजर्ट है, ये पूरा फिजिकल मैप है। किसका है बेटा? डेजर्ट का है। आ गया समझ में फिजिकल मैप सबको? आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आई होप नाउ दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, और सारे फिजिकल मैप मैंने आपको कैमरे पे शो भी कर दिए, ठीक है। अब इसकी एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। व्हेन मैंने मैप की आपको डेफिनेशन बताई, आफ्टर दैट आई टेल यू देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैप, दैट इज अ फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। और लेकिन मैंने आज जो टॉपिक कवर किया वो क्या किया बेटा? मैंने फिजिकल मैप का किया। देखो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम, अर्थ का सरफेस सब जगह पे एक जैसा नहीं है, ठीक है। कहीं हमको माउंटेन्स मिलेंगे, माउंटेन्स का मैप एक बार अभी और मैं दिखा दूंगा, माउंटेन्स मैंने दिखाया आपको मैप में। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, उसका भी मैंने अभी जस्ट आपको मैप शो किया नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ आवर कंट्री। फिर डेक्कन प्लेट्यू, ये भी इसमें दिया है। देन कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, दैट मैप ऑल्सो आई हैव शोन यू इन द बुक। एंड डेजर्ट एरियाज ऑफ इंडिया विच इज द थार डेजर्ट, सबसे बड़ा जो डेजर्ट है थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, दैट नेम इज नोन एज थार डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट इन आवर कंट्री। एंड सम पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट इज इन आवर नेबरिंग कंट्री, दैट इज नोन एज पाकिस्तान। एंड हाउ मच पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज इन पाकिस्तान, दैट इज 15% पार्ट इज इन पाकिस्तान, ठीक है ये। और 85% पार्ट इसका कहाँ है बेटा? इंडिया में है, ठीक है। 85% पार्ट कहाँ है इसका? इंडिया में है। नाउ सी एक बार आप फिर देख लो, ये देखो सी ऑब्जर्व द पिक्चर, ये देखो डेजर्ट का है, ये फिजिकल डिवीजन किसकी है? डेजर्ट की है, ठीक है। दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ डेजर्ट इन इंडिया, इंडिया में डेजर्ट कहाँ है उसका फिजिकल मैप है। इज इट क्लियर? ये दिस इज द मैप ऑफ कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन से ऐसे पार्ट हैं जो वाटर के टच में है। देखो नीचे मैंने बताया था ट्रेंगुलर शेप बनाता है, क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इसके एक तरफ वे ऑफ बंगाल है और एक तरफ अरेबियन सी है, और नीचे आप देखोगे साउथ में वो पूरा आपका इंडियन ओशन है। ये थ्री वाटर बॉडीज, कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहां ये थ्री वाटर बॉडीज दे मिक्स विद ईच अदर, ठीक है। यहाँ ये तीनों अरेबियन सी का, बे ऑफ बंगाल का और इंडियन ओशन, सबका पानी आपस में मर्ज करता है, ठीक है। एंड द प्लेस इज नोन एज कन्याकुमारी, ठीक। उसके बाद
Now see, this is the map of your northern plains. ये आपके किसका मैप है? फिजिकल मैप नॉर्दर्न प्लेन्स का है. आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट. थैंक यू. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस और आई विल एक्सप्लेन यू पॉलिटिकल मैप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल मैप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीमेटिक मैप ऑफ इंडिया. थैंक यू.